पास्ता बनाने के लिए मुझे पहले पास्ता बॉईल करना है, तो पास्ता डाल देंगे गर्म पानी में, उसके साथ थोड़ा सा नमक डाल देंगे और 2 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसको बॉईल होने देंगे। तो जब बॉईल हो जाएगा तब इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और आप आसानी से इसको कट कर सकते हो नाइफ़ के हेल्प से। तो तभी बॉईल हो गया है, तभी हम इसको स्टेन कर लेंगे। अच्छे से स्टेन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्टीम के वजह से और ज़्यादा बॉयल्ड हो सकता है, तब पास्ता ऐसा नहीं रहेगा। तो अभी हम पैन चढ़ा दिए हैं, पैन में 1 टीस्पून बटर डाल दिए हैं और इसमें हम अभी डाल रहे हैं गार्लिक, जो चॉप्ड गार्लिक रखे थे उसको थोड़ा सा सॉटे कर लिए हैं। इसके बाद हम सब्जी डाल रहे हैं, वेजिटेबल्स, आप अपने हिसाब से वेजिटेबल्स रख सकते हो। थोड़ा सा नमक डाल दिए हैं, अच्छे से सॉटे करके अब हो गया है और इसको हम अलग से रख देंगे। फिर पैन पे 2 टेबलस्पून बटर डाल दिए हैं, बटर को मेल्ट होने देंगे। अच्छे से मेल्ट हो गया है, अभी हम इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे। तो मैदा अच्छे से ऐड करने टाइम पे ध्यान रखें कि लम्स ना जाए। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा बॉयल्ड आने लगेगा तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। और ध्यान रखें, इसमें लम्स आने का बहुत चांसेस रहता है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए और अच्छे से इसको मिला लीजिए। अभी हम इसमें थोड़ा सा ओरिगैनो एंड चिली फ्लेक्स ऐड कर रहे हैं, तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम थोड़ा 1 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। तो 1 मिनट बाद हम इसको खोल के देखेंगे, अच्छे थोड़ा थोड़ा बॉयल इसमें भी आ रहा है। तो अभी हम इसमें जो वेजिटेबल सॉटे करके रखे थे वो हम डाल दे रहे हैं और इसके बाद हम पास्ता डाल देंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं मोज़रेला चीज़। आपके पास जो भी चीज़ है आप ऐड कर सकते हो। तो चीज़ ऐड करने के बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसको 1-2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। 1-2 मिनट बाद ढक्कन खोल के हम देखेंगे कि यम्मी टेस्टी पास्ता रेडी है। ये रेडी टू सर्व है और गरम गरम आप सर्व कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। तब तक मैं थोड़ा पास्ता टेस्ट कर लेती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो के साथ। बाय बाय।